सेलिंग का मतलब है कि कोई चीज़ बेचना और उसके बदले में पैसे लेना, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है कुछ समय के अंदर होनी चाहिए। लेकिन जो पावर सेक्टर है उसकी अलग ही कहानी है। जो स्टेक होल्डर्स है वो सामान बेच तो रहे हैं लेकिन उनको टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे। जैसे कोल इंडिया है, उसको अभी 12,300 करोड़ रुपए लेने हैं पावर जनरेशन कंपनीज से, लेकिन वो फिर भी इनको कोल सप्लाई कर रहे हैं। और जो पावर जनरेशन कंपनीज है उनको 1,00,000 करोड़ रुपए लेने हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से, लेकिन वो फिर भी उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जिनको डिस्कॉम्स भी बोलते हैं, वो 5,00,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो डिस्कॉम्स है वो स्ट्रगल करती है, उनको टैरिफ या फिर इलेक्ट्रिसिटी रेट में इंक्रीज नहीं मिल पाता है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है या पॉलिटिशियंस है वो फ्री बिजली प्रॉमिस कर देते हैं अपने वोटर्स को लुभाने के लिए। इसकी वजह से क्या है, आप देख सकते हो कि जो हमारे डिस्कॉम्स है इतनी ज़्यादा लॉस में है। इन सब के बीच में हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा रही। 26 अप्रैल को 201 थी और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो पावर डिमांड है 215 से 220 पहुंच जाएगी मई जून के अंदर। लेकिन जो पेमेंट डिलेज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इस पूरे सेक्टर में। जो स्टेक होल्डर्स है, जो डिफरेंट एंटिटीज़ है, वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं कि आपकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सब एक बात पर एग्री करते हैं कि जो पेमेंट प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली फिक्स करना पड़ेगा अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ से एक चीज़ जान गए होंगे कि कोई ये कोल क्राइसिस नहीं है, ना ही कोई पावर क्राइसिस है, यह है पेमेंट क्राइसिस। इंडस्ट्री ऑफिशियल के हिसाब से जो नॉन पेमेंट है डिस्कॉम्स द्वारा, उसकी वजह से क्या है, जो पावर जनरेशन कंपनीज है वो आगे पैसे नहीं दे पा रही है और वो डिफॉल्ट कर गई, इंसॉल्वेंट हो गई और उनको कोर्ट में घसीटा जा रहा है, बल्कि उनकी कोई गलती नहीं है। एक पोर्टल है प्राप्ति, गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाया गया है। उसके हिसाब से जो डिस्कॉम्स है उनको 1,00,000 करोड़ रुपए देना है इन पावर जनरेशन कंपनीज को। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो कैश फ्लो है वो पूरे सिस्टम का हल्ट हो चुका है और सही से काम नहीं कर रहा है। जो कोल्ड स्टॉक्स है वो भी लिमिटेड हो चुके हैं पावर स्टेशंस के अंदर। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के हिसाब से जो 86 यूनिट्स है 150 में से, उनके पास 25% कम कोयला है देन नॉर्मल रिक्वायरमेंट। इसके दो मेन रीजंस है, वो है कि जो कोल इंडिया वो कोल को कम सप्लाई कर रहा है और दूसरा कि जो वेगन्स है जो कोयले को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सारे प्लांट्स को कोयला तब दिया जा रहा है जब वो पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो कोल इंडिया वो ऐसी एलिगेशन को डिनाई कर रहा है और वो बोल रहा है कि वो उन प्लांट्स को कोल देना बंद नहीं कर रहा है जो पेमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन जो कोल इंडिया का डाटा है वो शो करता है कि जो प्लांट्स पेमेंट नहीं कर रहे कोल इंडिया उसको क्रिटिकल कैटेगरी की लिस्ट में नहीं रख रहा है। क्रिटिकल कैटेगरी की लिस्ट में वो प्लांट्स होते हैं जिनको वो इमीडिएट बेसिस पे कोल सप्लाई करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कोल इंडिया उन्हीं प्लांट्स को कोल सप्लाई कर रहा है जो पेमेंट कर पा रहे हैं। एक क्वेरी भी भेजी गई थी इसके रिगार्डिंग कोल इंडिया को, जिसका जवाब उसने अभी तक नहीं दिया है। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि ये कोई कोल प्रॉब्लम नहीं है, ये है पेमेंट प्रॉब्लम। और आपको उन पॉलिटिकल पार्टी से भी रहना है जो फ्री डिलीवरी की प्रॉमिस करती है, क्योंकि आपको कंसिक्वेंस पता लग चुका है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है कितनी ज़्यादा लॉस में चल रही है। तो अगर आपसे कोई आर्ग्यू करे कि ये फ्री कर रहा है हमारी कंट्री के लिए अच्छा, ये अच्छा नहीं है, आप इसका कंसिक्वेंस देख सकते हो कि हमारी जो पावर सेक्टर है वो कितना स्ट्रगल कर रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो कितनी ज़्यादा लॉस में चल रही है। तो आपको आर्ग्यू करना आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले, उनको पता लगे कि जो फ्री है उससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उससे कितनी सारी कंपनीज लॉसेज में जा सकती है। धन्यवाद।